अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल कुछ भी सीखो विद तनवीर। आज हम आपके लिए बॉर्डर वाले कार्डिगन की डिज़ाइन लेकर आए हैं। ये कार्डिगन पूरा कंप्लीट हो गया है। ये बैक का हिस्सा है, इसका बॉर्डर बैक से बड़ा ही खूबसूरत लगता है। देखिए, सारी लीफ वाली फ्लावर की डिज़ाइन पूरे में बैक में पूरा कंप्लीट दिखता है। ये डिज़ाइन अगर आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक ज़रूर दें। ये बहुत ब्यूटीफुल डिज़ाइन है और इसे आप एक बार ज़रूर बना के ट्राई करें। इसमें मैंने फ्लावर वाले बटन होल बनाए हैं। ये देखिए ये फ्लावर वाले बटन होल हैं, ये इसको हमने बनाया है। अगर आपको इसकी डिज़ाइन चाहिए तो इसका मेरे चैनल पर इसका वीडियो है, आपको इस वीडियो से फ्लावर होल की डिज़ाइन मिल जाएगी, आप यहां से चेक कर लीजिए। ये जो ये फ्लावर है, ये मोटिफ, ये हमने 8 बनाए हैं और ये बड़ा साइज़ बना है तो इसलिए 8 है, और ये छोटा जैसे किसी मीडियम साइज़ बनाना है तो 7 फ्लावर का ही ये बनाएं, ये मोटिफ सात बनाएंगे और एक कम हो जाएगा तो इसको जो है आप ऐसे बीच से ऐसे नाप लीजिए दोनों, और जो बीच का साइड आए फिर वहाँ से आप ये आस्तीन घटाएं। ये देखिए, ये पूरा कंप्लीट हो गया। अब हम जो है यहाँ से बनाना शुरू करेंगे। ये यहाँ ये बीच का हिस्सा है जहाँ से हम ज्वाइंट करते हैं, ये दो हम ज्वाइंट करते हैं, तो ये यहाँ पर हमें नहीं बनाना, इसको भी स्किप करते हैं। ये स्किप करके हमें यहाँ ये जो 12 डबल क्रोशिया है इसमें से हमें बनाना है। इसमें हम क्रोशिया डालेंगे, ये देखिए यहाँ से हम बनाना शुरू करेंगे। ये क्रोशिया डालेंगे, एक फंदा निकालेंगे सबसे पहले, और एक चेन बनाएंगे। नेक्स्ट चेन में एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। अब नेक्स्ट चेन में एक हाफ डबल क्रोशिया बना लेंगे। अब नेक्स्ट चेन में एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। दो चेन बनाएंगे और ये दो स्किप करके एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। ये 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे, ये 4 डबल क्रोशिया बना लेंगे। दो चेन बनाएंगे, ये दो चेन स्किप करेंगे, तीसरे में एक डबल क्रोशिया, फिर दो चेन बनाएंगे, ये दो चेन स्किप करेंगे, तीसरे में एक डबल क्रोशिया। अब 5 डबल क्रोशिया और बनाएंगे, तीन हो गए, 4 हो गए, ये 5, कुल 6 हो गए। एक पहले बनाया था, 5 अभी बनाया, 6 हो गए। अब दो चेन बनाएंगे, ये दो चेन स्किप करेंगे, यहाँ पर एक डबल क्रोशिया, फिर दो चेन बनाएंगे, ये दो चेन स्किप करेंगे, इसमें एक
डबल क्रोशिया हुआ, फिर दो चैन बनाएंगे और ये दो चैन स्किप करेंगे और इसमें एक डबल क्रोशिया। ये देखिए अब हम क्रोशिया में छः बार ऊन को छः बार लपेटेंगे, छः बार लपेटेंगे इस तरह, हम छः बार लपेटेंगे, दो तीन चार पाँच ये छः, छः बार लपेटेंगे। अब देखिए ये जो बीच में ये स्पेस है, अब हम क्रोशिया को इसमें डाल देंगे, ये बीच में जो है यहाँ इसमें डालेंगे, इसको छः बार में निकालेंगे, एक दो तीन चार पाँच छः, छः बार में निकाल के देखिए ऐसे। अब हम चार बार लपेटेंगे, चार, और ये जो दूसरा है पहला निकाला वो नहीं, जो दूसरे बार में हमने निकाला ये हमने क्रोशिया को इसमें डालेंगे, ये क्रोशिया को इसमें डालेंगे और इसको अब हम चार बार में निकालेंगे, एक दो तीन चार, अब तीन बार लपेटेंगे, सेम उसी लूप में फिर डालना है और इसे हम तीन बार में निकाल देंगे, एक दो तीन। अब दो बार सेम उसी लूप में डालना है, एक और दो, अब केवल एक बार, एक। अब सारे फंदे को दो दो करके एक निकाल लेंगे, अब हम चार चेन बनाएंगे, एक दो तीन चार, और ये जो दो लूप एक साथ आते हैं इसमें हम क्रोशिया डालेंगे और एक स्लिप स्टिच बनाएंगे, फिर चार चेन बनाएंगे, फिर इसी में डालेंगे, इसी में फिर डालेंगे, फिर एक स्लिप स्टिच बनाएंगे, फिर चार चेन बनाएंगे, फिर इसी में डालेंगे हम, इसी लूप में डालना है हमें और एक स्लिप स्टिच बनाएंगे। इस तरह हम ये तीन बार बना लेंगे, एक दो तीन, तीन बना लेंगे। अब हम तीन चेन बनाएंगे, अब ये फर्स्ट वाले चेन में डालना है और एक डबल क्रोशिया बना लेना है, फिर तीन चेन बनाना है, सेम वही रिपीट करना है जो ये फर्स्ट वाले चेन में डालना है और एक डबल क्रोशिया बना लेना है, फिर तीन चेन बनाना है, ये फर्स्ट वाले चेन में डालना है और एक डबल क्रोशिया बना लेना है, फिर तीन चेन बनाना है, ये फर्स्ट वाले चेन में डालना है और एक डबल क्रोशिया बना लेना है, ये इसको हम चार बना लेंगे, एक दो तीन चार। अब हम ऊन को सात बार लपेटेंगे, एक दो तीन चार पाँच छः सात। अब हम ये जो हमने लीफ बनाया था ये सेकंड लूप में
ये जो दो लूप एक साथ आते हैं, इस लूप में हम डालेंगे क्रोशिया को और इसमें से एक फंदा निकालेंगे। अब दो दो फंदे करके हम सात बार में निकालेंगे, तीन, चार, पाँच, छः और सात। अब हम पांच बार लपेटेंगे, अब ये जो सात बार लपेटा था इसमें जो सेकंड लूप है, अब इसके सेकंड लूप में देखिए इसमें हमें डालना है, इसमें डालना है सेकंड लूप में, जो सात बार लपेटा था इसके सेकंड लूप में डालना है, इसको पांच बार में अब हम निकालेंगे, दो, तीन, चार, पाँच। अब हम चार बार लपेटेंगे, अब फिर सेम उसी लूप में हमें डालना है और इसको चार बार में निकालना है, और चार। अब फिर अब तीन बार लपेटेंगे, सेम उसी लूप में डालना है हमें, अब इसको हमें तीन बार में निकालना है, अब दो बार लपेटना है और सेम उसी लूप में डालना है, अब एक बार लपेटना है, सेम उसी लूप में डालना है और इसको एक बार में निकाल लेना है। अब दो दो फंदे करके एक बार हम निकाल लेंगे सारे फंदे, दो दो करके निकाल लेंगे। ये देखिए अब चार चेन बनाएंगे, ये दो जो लूप्स हैं इसमें एक स्लिप स्टिच, फिर चार चेन बनाएंगे, स्लिप स्टिच, फिर चार चेन बनाएंगे और इसमें एक स्लिप स्टिच, फिर वही रिपीट करेंगे जो यहाँ बनाया। अब चार ये बना लेंगे, फिर तीन, तीन चेन और एक फर्स्ट चेन से एक डबल क्रोशिया, तीन चेन फर्स्ट चेन से एक डबल क्रोशिया, तीन चेन डबल क्रोशिया, तीन चेन फर्स्ट चेन से एक डबल क्रोशिया। ये देखिए ये बन गया। अब हम पांच बार लपेटेंगे, पांच बार लपेटेंगे और देखिए इसमें डालेंगे हम, इसमें डालेंगे, ये देखिए इसमें डालेंगे और इसको हम पांच बार में निकाल देंगे, दो, तीन, चार, चार बार लपेटेंगे, सेम उसी जगह फिर डालेंगे और इसे हम चार बार में निकालेंगे, एक, दो, तीन, चार। अब तीन बार लपेटेंगे, सेम उसी जगह डालेंगे और तीन बार में निकाल लेंगे,
अब दो बार लपेटेंगे, सेम उसी जगह पे डालेंगे और इसे दो बार में निकाल लेंगे। एक बार लपेटेंगे, सेम उसी में डालेंगे और एक बार में निकाल लेंगे। अब सारे फंदे दो दो करके हम निकाल लेंगे। ये देखिए ऐसे बनकर आ गया। ये देखिए कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। ये अब हम चार चेन बनाएंगे। अब ये जो दो लूप है इसमें क्रोशिया डालेंगे और एक स्लिप स्टिच बना लेंगे, फिर चार चेन बनाएंगे। फिर सेम उसी दो लूप में डालेंगे और एक स्लिप स्टिच बना लेंगे, फिर चार चेन बनाएंगे, सेम उसी लूप में डालेंगे और एक स्लिप स्टिच बना लेंगे। ये हमें तीन बार बनाना है। अब देखिए, अब ये पहले वाले में नहीं, जो छह डबल क्रोशिया यहाँ नहीं बनाएंगे, यहाँ से हम गिनती करेंगे। इसमें छः चेन स्किप करके सातवें चेन में एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। एक डबल क्रोशिया, फिर दो चेन बनाएंगे, नीचे दो चेन स्किप करेंगे, तीसरे में एक डबल क्रोशिया, एक डबल क्रोशिया, फिर दो चेन बनाएंगे, दो चेन बनाएंगे, दो चेन स्किप करेंगे, तीसरे में एक डबल क्रोशिया, ये देखिए, फिर दो चेन बनाएंगे, दो चेन बनाएंगे, दो चेन स्किप करेंगे, एक डबल क्रोशिया, इसमें एक डबल क्रोशिया। अब पांच डबल क्रोशिया और बना लेंगे। एक, दो, तीन, चार, पांच, अब फिर दो चेन बनाएंगे, दो चेन स्किप करेंगे, ये दो स्किप करेंगे, इसमें तीसरे में एक डबल क्रोशिया, डबल क्रोशिया, फिर दो चेन बनाएंगे, फिर दो चेन बनाएंगे, दो चेन ये दो स्किप करेंगे, इसमें डबल क्रोशिया, डबल क्रोशिया, फिर दो चेन बनाएंगे, दो चेन बनाएंगे, दो चेन स्किप करेंगे, ये दो चेन स्किप करेंगे, इसमें डबल क्रोशिया। ये देखिए, अब यहाँ से हमारी दूसरी डिज़ाइन फिर शुरू होगी। ये देखिए, फिर ये आ गया। अब फिर हम छह बार लपेटेंगे और इस चेन में डालेंगे और इसको छह बार में निकालेंगे। दो, तीन, चार, पाँच, छः। अब हम चार बार लपेटेंगे और जो ये इसका सेकेंड लूप है इसमें डालेंगे और हम इसको चार बार में निकालेंगे। एक, दो, तीन, चार। अब तीन बार लपेटेंगे, फिर सेम उसी जगह डालेंगे और तीन बार में निकालेंगे। एक, दो, तीन। अब दो बार लपेटेंगे, फिर उसी जगह डालेंगे और दो बार में निकालेंगे। अब एक बार लपेटेंगे, फिर सेम उसी जगह डालेंगे, एक बार में निकालेंगे। अब दो दो करके सारे फंदे निकाल देंगे। ये देखिए मेरा लीफ तैयार हो गया है। अब चार चेन बनाएंगे और ये दो लूप्स हैं, जहाँ से यहाँ से हम एक स्लिप स्टिच बना लेंगे। फिर चार चेन बनाएंगे,
सेम उसी जगह से फिर एक स्लिप स्टिच बना लेंगे, फिर चार चैन बनाएंगे, फिर सेम उसी जगह से एक स्लिप स्टिच बना लेंगे। अब तीन चैन बनाएंगे और फर्स्ट वाले चैन से एक डबल क्रोशिया बना लेंगे, फिर तीन चैन बनाएंगे, फर्स्ट वाले चैन में डालेंगे और एक डबल क्रोशिया बना लेंगे, फिर तीन चैन बनाएंगे, फर्स्ट वाले चैन में डालेंगे एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर तीन चैन बनाएंगे, इसको एक बार फिर रिपीट कर लेंगे। अब ये मेरे चार बन गए। अब हमें सात बार लपेटना है, सात बार लपेट लिया। ये जो हमने पहले सेकंड लूप में डाला था, फिर सेकंड लूप में डालेंगे और सात बार में निकालेंगे, दो तीन चार पाँच छः और सात। अब पांच बार लपेटेंगे। अब जो सात चेन बनाया था इसके सेकंड लूप में डालेंगे, इसके सेकंड लूप में डालेंगे, इसको हम पांच बार में निकालेंगे, एक दो तीन चार पाँच। अब चार बार लपेटेंगे, फिर सेम उसी जगह डालेंगे, चार बार में निकालेंगे, दो तीन चार, तीन बार लपेटेंगे, फिर तीन बार में निकाल लेंगे। अब दो बार लपेटेंगे और सेम उसी जगह डालेंगे। अब एक बार लपेटेंगे उस सेम उसी जगह डाल के और एक बार में निकाल लेंगे, और दो दो फंदे करके सारे निकाल देंगे। ये देखिए मेरा सेकंड लीफ भी बन गया। फिर अब चार चैन बनाएंगे, मुझे वही रिपीट करना है, दो लूप्स में डालना और स्लिप स्टिच बनाना है। फिर चार चैन बनाएंगे, फिर इस लूप्स में डालना है और सेकंड स्लिप स्टिच बना लेंगे। इसी तरह हम तीन बार कर लेंगे। अब तीन चैन बनाएंगे और फर्स्ट चैन में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, इसको हम चार बना लेंगे जैसे इधर बनाया है। ये देखिए हमने इसको बना लिया। अब हम पांच बार लपेटेंगे और इसमें जो ये पहले हमने लीफ बनाया था उसी में डालना है, हमें उसमें डालना है और इसको पांच बार में निकालेंगे, एक दो तीन चार पांच। अब चार बार लपेटेंगे, सेम उसी जगह फिर डालेंगे और चार बार में निकाल लेंगे। अब तीन बार लपेटेंगे, सेम उसी जगह डालेंगे और तीन बार में इसे एक एक करके निकालेंगे, दो दो का। दो बार लपेटेंगे और इसको दो बार में निकाल देंगे, एक बार लपेटेंगे, अब दो दो करके सारे फंदे निकाल देंगे। फिर चार चैन बनाएंगे, दो लूप्स में एक स्लिप स्टिच, फिर चार चैन बनाएंगे, फिर उसी दो लूप्स में एक स्लिप स्टिच, फिर चार चैन बनाएंगे, फिर उसी दो लूप्स में एक स्लिप स्टिच। अब एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। ये देखिए ये हमने जो छह डबल क्रोशिया बीच में बनाया था उसमें नहीं बनाएंगे, इस पे छह चैन स्किप करके सातवें चैन पर एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। ये देखिए ऐसे बनकर आया है। ये देखिए अब दो चैन बनाएंगे, दो चैन स्किप करेंगे, तीसरे चैन में एक डबल क्रोशिया, फिर दो चैन बनाएंगे, दो चैन स्किप करेंगे, तीसरे में एक डबल क्रोशिया, फिर दो चैन बनाएंगे, दो चैन स्किप करेंगे, तीसरे में एक डबल क्रोशिया। अब पांच डबल क्रोशिया और बना लेंगे, एक दो तीन चार पाँच। अब ये कुल छः हो गए। अब दो चैन बनाएंगे,
और दो चैन स्किप करेंगे, तीसरे में एक डबल क्रोशिया, फिर दो चैन बनाएंगे, दो चैन स्किप करेंगे, तीसरे में एक डबल क्रोशिया, फिर दो चैन बनाएंगे, दो चैन स्किप करेंगे, तीसरे में एक डबल क्रोशिया। इसी तरह हम पूरे राउंड में लीफ वाली डिज़ाइन का बॉर्डर बनाकर तैयार कर लेंगे। ये देखिए मेरा पूरा राउंड ये कंप्लीट हो गया है। ये देखिए हमने यहाँ पर इसको एंड कर दिया, जैसे यहाँ शुरू किया था। ये देखिए यहाँ इस तरह जिस तरह शुरू किया था उसी तरह यहाँ पर हमने एंड कर दिया। ये देखिए ऐसे ही। अब इसे हम सेट कर लेंगे। इसको देखिए ये ऐसे है, तो इसको हम सुई धागे से इसको फिक्स कर देंगे कि जिससे ये जो है धोने पर मुड़े भी नहीं। अब हम यहाँ से सुई डालेंगे, यहाँ से हम नॉट लगा लेंगे। अब इसको हम लीफ के इस तरफ से ऐसे सुई निकाल लेंगे। अब दूसरी वाली ऊपर वाला लीफ को इससे बराबर में सेट करते हुए इस नीडल को डालेंगे। अब इस साइड से हम निकाल लेंगे। अब इसके नीचे वाले लीफ को भी इसी तरह सेट कर लेंगे। अब यहाँ से नीडल डालेंगे और नीचे की ओर निकाल लेंगे। बस इसको यहाँ यहाँ से लाके यहाँ पर इसे फिक्स कर देंगे और इसमें नॉट लगा देंगे। ये देखिए पूरा ये सेट हो गया। अब ये ऊपर वाला ये इसको भी हम इसी तरह सुई से फिक्स कर लेंगे। ये जो तीन चैन बना के एक डबल क्रोशिया बनाया है इसमें हम नीडल को डालेंगे, ऊपर तक ले आएंगे और तागे को बराबर से करते हुए, डिज़ाइन के बराबर करते हुए हम तागे को बस उतना ही खींचेंगे जितना डिज़ाइन है, ज़्यादा नहीं खींचेंगे और उतने ही पर हमें नॉट लगा देना है। इससे डिज़ाइन हमारी एकदम फिट बैठेगी और एकदम क्लियर आएगा, ये अब धोने पर मुड़ेगा नहीं। ये देखिए हमने पूरे रो में इसी तरह सेट कर लिया है। अब इसे पूरा स्वेटर बना लेंगे तो इसमें हम प्रेस से इसको हम बैठा लेंगे। इधर इस साइड हम बनाएंगे, इस साइड बनाएंगे। ये देखिए इस साइड बन गया, इस साइड बनाएंगे। हमें जो है ये बीच का है इसे स्किप करके हमें ये यहाँ से देखिए ये जो ये फंदा इसमें ये 12 डबल क्रोशिया इस स्पेस में है, इसमें हमें बनाना है। चेन निकालेंगे, एक दो तीन चार पाँच। अब दो चैन और बनाएंगे, एक दो एक दो एक दो, ये इसमें हम एक ट्रिपल क्रोशिया बना लेंगे। दो दो स्किप करेंगे, फिर एक डबल क्रोशिया, दो चैन बनाएंगे,
नीचे दो चैन स्किप करेंगे, तीसरे चैन में एक डबल क्रोशिया, फिर दो चैन बनाएंगे, दो चैन स्किप करेंगे, तीसरे चैन में एक डबल क्रोशिया, फिर दो चैन बनाएंगे और दो चैन स्किप करेंगे, इसमें हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक दो, फिर दो स्किप करेंगे, इसमें हाफ डबल क्रोशिया, फिर दो चैन बनाएंगे, फिर दो ये स्किप करेंगे, इसमें भी हम हाफ डबल क्रोशिया, अब फिर एक दो और ये दो स्किप करेंगे और इसमें हम डबल क्रोशिया, फिर एक दो और ये दो स्किप करेंगे, इसमें भी एक डबल क्रोशिया, फिर दो बनाएंगे और ये दो स्किप करेंगे, इसमें भी एक डबल क्रोशिया, इससे आगे की डिज़ाइन नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे। अगर आप लोगों को ये कार्डिगन के बॉर्डर वाली डिज़ाइन पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।